एक्चुअल मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। मेरा नाम रज़ाक खान है और हम लोगों ने एक बेहतरीन मूवी बनाने की, फिल्म बनाने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि कुछ, खैर हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमें लगता है कि हम कुछ बहुत अच्छी चीज़ जो है इंडस्ट्रीज को दे पाएंगे। भोजपुरी दर्शक के लिए हमने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है और मे बी हम लोग उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन इस चीज़ से पर्दा तो तब हटेगा जिस दिन हमारी फिल्म थिएटर्स तक पहुँचेगी, ऑडियंस देखने जाएगी, पब्लिक देखने जाएगी। देन उसके बाद में उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उनकी क्या राय रहती है, तभी हम इस चीज़ पे आगे बात कर पाएंगे। फिल्म की स्टोरी की बात करें, किस तरह का स्टोरी है? स्टोरी के बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जैसे नॉर्मली जो कहते हैं अलग है, ये है, वो है, मैं वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, वही शब्द नहीं कहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा स्टोरी की एक लॉजिक वाली स्टोरी है जिसमें एक मैसेज है पब्लिक के लिए। लाइक गुंडे टाइटल है हमारी मूवी का, बट एक इस तरह से कि एक गुंडे की जो क्या, गुंडा कैसे डेवलप होता है, देन उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस वजह से ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में आती है, देन लास्ट जो लास्ट में मोस्टली जो मूवीज़ में होता है हैप्पी एंडिंग जिसे हम कहते हैं, उसी तरह से बट एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज के साथ हमने ये तैयार की है फिल्म। अब देखते हैं कि पब्लिक को कैसी लगती है, पब्लिक को कैसी पसंद आती है। फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं मीडिया से और सबसे जितने भी दर्शक हैं भोजपुरी देखने वाले सबसे, मैं एक तो तहे दिल से जो है चाहूँगा कि वो हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि मे बी ये पिक्चर पहले जब रिलीज़ हो तो सब लोग इसे देखने जाएं और सबको पसंद आए। दूसरी रही बात रिलीज़ की, तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है जोरों शोरों से। अब कोशिश ये है, मे बी मेरी कोशिश है कि लास्ट अप्रैल लास्ट वीक तक कैसे भी करके आ जाए। देन अगर नहीं भी होती तो मई फर्स्ट वीक में हम लोग कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम इसको मई फर्स्ट वीक में थिएटर तक पहुँचाएंगे।